एक रहस्यमय गुफा से बाहर आकर वापस इसी के अंदर चले जाती हैं। तो भाई गाइस, अभी हम गुफा के पास पहुंच गए हैं। ये काफी गहरी गुफा है भाई। भाई इसका कुछ राज होगा भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जीतू बगड़वाल यहाँ बांसुरी बजा रहा था और अचानक से एक परी उसके सामने आई और उसे अपने साथ ले गई। तो भाई गाइस, यहाँ जानवर भी काफी ज्यादा होते हैं भाई। कहा जाता है कि ये बहुत मतलब कि पौराणिक पत्थर है, जो यहाँ राक्षस होते थे ये उनकी हड्डी है, मतलब कि कहा जाता है। ये देखो कुछ अलग ही सा पत्थर है भाई। तो गाइस, यहाँ पर एक ताल बना है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी देवता स्नान करते थे। ये मूर्ति गाइस अपने आप बनी है। तो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग भी है, ये भाई अपने आप बने हैं यहाँ पर। चलो गाइस, यहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं दूसरी जगह। और भी यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है, क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। कि नौ परियों का वास है और ये नौ परियां अक्सर। तो गाइस, यहाँ अब एक ऐसी गुफा है जहाँ सात नाग बने हैं पत्थरों का, यहाँ आती जाती रहती हैं। दिखने में ये नौ परियां काफी सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इन परियों को इस खेत पर्वत पर मंडराते हुए काफी लोगों ने देखा है। तो गाइस, मैं अंदर तो आ गया हूँ। तो भाई सात नाग तो यहाँ है, इधर देखो नागों के पूंछ, यहाँ बने हैं गाइस सात नाग। कहा ये जाता है कि इस पर्वत में आपको चटक कपड़े पहनकर नहीं जाना है। तो गाइस, ये है पीड़ी माता के प्रवेश द्वार। यहाँ से है पीड़ी माँ का मंदिर 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर। क्योंकि परिया अक्सर चटक कपड़ों से ही आकर्षित होती है, वहीं कपड़ों में कोई भी इत्र या सुगंधित वस्तु भी नहीं ले जानी है और न ही आपको अपने कपड़ों में सेंट डालना है। और साथ ही में यहाँ शोरगुल करना या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना सख्त मना है, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया। तो भाई गाइस, फाइनली पीड़ी तो पहुँच गए हैं और मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर सिरपाल फोड़ना है और थोड़ी यहाँ पर भी दीप जलानी है। तो ये मंदिर ना कुछ इस तरह की लोकेशन पर है, यहाँ से कोई तो सीधे नीचे ही चले जाएगा या तो परियां आपको अपने साथ ले जाएंगी। तो भाई यहाँ से देखो, सामने सिर्फ हिमालय ही हिमालय दिखता भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड से। तो गाइस, मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ पीड़ी पर्वत, कि नौ परियों का वास है और ये नौ परियां अक्सर यहाँ आती जाती रहती हैं। दिखने में ये नौ परियां काफी सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इन परियों को इस खेत पर्वत पर मंडराते हुए काफी लोगों ने देखा है। कहा यह जाता है कि इस पर्वत में आपको चटक कपड़े पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि परियां अक्सर चटक कपड़ों से ही आकर्षित होती है, वहीं कपड़ों में कोई भी इत्र या सुगंधित वस्तु भी नहीं ले जानी है और न ही आपको अपने कपड़ों में सेंट डालना है। और साथ ही में यहाँ शोरगुल करना या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना सख्त मना है, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो परियां आपको अपने साथ ले जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जीतू बगड़वाल यहाँ बांसुरी बजा रहा था और अचानक से एक परी उसके सामने आई और उसे अपने साथ ले गई। उसके बाद जीतू बगड़वाल का क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन पीड़ी पर्वत में स्थानीय निवासी अप्सराओं का निवास बताते हैं, जो कि पीड़ी पर्वत मंदिर के सामने आती जाती रहती हैं और साथ ही में यहाँ अपना नृत्य करके कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो जाती हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये अप्सराएं नहीं बल्कि वन देवियां हैं, जो पीड़ी पर्वत में एक रहस्यमय गुफा से बाहर आकर वापस इसी के अंदर चले जाती हैं, जहां इस गुफा के अंदर इन वन देवियों या अप्सराओं की रहस्यमय दुनिया है। अभी गाइस, मंदिर में बहुत ही कम लोग पहुंचे हैं, तो कोई तो वापस जाने लग गया भाई, कोई आ रहा अभी। तो यहाँ ना कुछ इस तरीके का मंदिर है, जो कि आपने देख लिया होगा, क्योंकि यार काफी दूर मंदिर है, तो यहाँ सीमट सरिया लाने में सिमर सरिया घोड़े ही लाते हैं, फिर उतना बड़ा मंदिर नहीं है, फिर भी ठीक ही ठाक है। तो अभी मैं बहुत सारी, तो गाइस ये तो अभी मंदिर है, अभी बहुत कुछ देखने को है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक मंदिर यहाँ है भाई पीछे, तो यहाँ देखो अंदर। अरे यार, तो
तो भाई गाइस फाइनली पीड़ी तो पहुंच गए हैं और मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर सिरपाल फोड़ना है और थोड़ी यहाँ पर भी दीप जलानी है। तो ये मंदिर ना कुछ इस तरह की लोकेशन पर है, यहाँ से कोई गिर गया वैसे तो सीधे नीचे ही चले जाएगा भाई। तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही मंदिर में, ऊंचाई पर है भाई ये मंदिर इस तरह की कुछ लोकेशन पर। तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे, कहाँ जा रहे, वो काफ़ी स्पेशल जगह है भाई। अरे तीन सिरपाल ला रखे हैं, अब इनको फोड़ते हैं फिर चलते हैं यहाँ से भाई। आसमान के हाल भी मुझे आज सही नहीं लग रहे, जाते वक्त बारिश होगी पक्का। तो भाई यहाँ पर सिरपाल भी फोड़ दिया है, तो यहाँ पर सिरपाल फोड़ना रिस्की है भाई, फिर नीचे गिरेगा। चलो भाई गाइस मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह लुकपीड़ी। तो भाई यहाँ से देखो सामने सिर्फ हिमालय ही हिमालय दिखता भाई, नीचे और गांव दिखते हैं पूरे ढुंगमंदार के। तो भाई गाइस मंदिर में तो दर्शन कर लिए हैं, तो भाई यहाँ से देखो नीचे के गांव। तो यहाँ पता, तो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, अभी हम यहाँ पर नाश्ता खा रहे हैं जो हमने घर से लाया है। क्या क्या लाया है और आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये ला रखी गाइस हमारी चाय, काफ़ी ज़्यादा गर्म है भाई। और ये है परांठे और कुछ संतरे ला रखे। चलो नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो गाइस फिलहाल नाश्ता पानी भी हो गया है, अब आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या देखने लायक है भाई, ठीक है। क्यों यहाँ के लिए परियों का देश माना जाता है, यहाँ ना कोई पुजारी भी नहीं बैठा है। हो सकता है कि मैं आपको जो यहाँ की गाता है ना कहीं से डाउनलोड करके लगा दूं, ठीक है। तो अगर गाइस आप यहाँ यात्रा पे आते हो तो आपको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यार, अपने साथ कम से कम दो बोतल पानी लेके आना भाई। यहाँ यार जंगली मुर्गा ऊपर चला गया भाई वो। तो यहाँ जानवर भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर एक मंदिर है तो इस तरीके से चलना पड़ता है यहाँ। तो मंदिर टाइप का है ना भाई, थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ मूर्ति है, तो नीचे यहाँ ऋषि मुनियों का तपस्या करने का पहले। तो यहाँ ताल भी है, तो काफ़ी लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। धूप जला दी से नहीं ना। तो यहाँ पर ना पत्थर की मूर्ति बनी है भाई, मैं पढ़ूंगा। तो देख लो यहाँ पर पत्थर की ये मूर्ति गाइस अपने आप बनी है, देख लो कुदरत की देन। गाइज यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग भी है, ये भाई अपने आप बने हैं यहाँ पर। चलो गाइज यहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं दूसरी जगह। और भी यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है, क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये पत्थर है ऋषि मुनियों का, देखो कितना खतरनाक है। तो गाइज यहाँ अब एक ऐसी गुफा है जहाँ सात नाग बने हैं पत्थरों का। तो यहाँ ना लकड़ी का पुल है भाई जाने के लिए। गाइज ये है भाई वो गुफा, देखो नीचे सात नाग बने हैं, मैं वहां जाता हूँ, ठीक है। जा भाई की मगन रीक नहीं होगा बैठ। तो गाइस मैं अंदर तो आ गया हूँ, तो भाई सात नाग तो यहाँ है, इधर देखो नागों के पूंछ, यहाँ बने हैं गाइस सात नाग। आज
आराम से ठीक है। गलती सी पायल ढंग से वहा। तो भाई यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, पर नीचे नहीं जाएंगे यार, नीचे पता नहीं कहाँ है। यहाँ से जाते हैं ऊपर। छिरीपाल मुंदी की नहीं छिरी बुनता आराम से। तो भाई गाइस यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। तो यहाँ ना पहाड़ी ही लड़का टिक सकता भाई, अगर कोई शहरी बंदा आएगा ना वो सीधे गुफा में समा जाएगा भाई। यहाँ क्या है? यहाँ भी पता नहीं कैसा गुफा है, जंगली जानवर रहते हैं। हाँ यहाँ जंगली जानवर रहते होंगे भीतर बर्फ में।